तो चलिए रुक करते हैं अब एक और बड़ी खबर की तरफ रायपुर से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट यहां पे आया सामने आया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ आने की अपील भी की है और विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्वीट कर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी कितना झूठ बोलेंगे, विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान दीजिए। तो इसी पे और चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता रायपुर निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, जिस तरीके से अभी हमने ट्वीट देखा, पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार पक्ष विपक्ष के बीच हम कई तरह के जो बयानबाजियां हैं वो देखते नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से राज्य सरकार सत्ता पे आई थी तो कई सारे वादे उन्होंने किए थे, उस वादों पर भी यानी कि घोषणा पत्र में किए वादों पर भी कई तरह से बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। और इसके साथ ही आज रमन सिंह ने एक ट्वीट किया है राहुल गांधी के ही एक वीडियो को शेयर करते हुए, उसमें उन्होंने कहा है कितना झूठ बोलते हैं राहुल गांधी जी, आप छत्तीसगढ़ आइए और विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए। उन्होंने शराबबंदी, जो कि एक घोषणा पत्र में किए वादे अनुसार पूर्ण शराबबंदी करने को कहा गया था, उस पर सवाल खड़ा किया। 1,00,000 रोजगार देंगे ये भी घोषणा पत्र में कहा गया था, उस पर सवाल खड़े किए। और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो नवयुवकों के लिए घोषणा पत्र में घोषित की गई थी उसका भी उदाहरण यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा जो 2500 रुपए धान की खरीदी को लेकर वादा किया था कि 2500 रुपए क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। वृद्धा पेंशन को भी लेकर उन्होंने अन्य वादे जो है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया निधि पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे। तो आपको बता दे, पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि भूपेश सरकार ने जो वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया है, झूठों के विज्ञापन से बाहर निकले और बाहर निकलने की सलाह दी है, और राहुल गांधी को रायपुर आने की भी उन्होंने सलाह दी है।